योगी के गढ़ में अखिलेश यादव भरेंगे हुंकार। योगी को ललकारने आ रहे अखिलेश यादव। अखिलेश के दौरे से पहले बीजेपी दिख रही चौकन्नी। बीजेपी को डर कहीं अखिलेश का दौरा डुबा न दे नैया। अखिलेश यादव के दौरे से पहले सियासी पारा हाई। गोरखपुर की सियासत में अखिलेश यादव की एंट्री होने वाली है। 26 तारीख को सीएम सिटी में अखिलेश यादव रोड शो करने वाले हैं और रैली भी करेंगे। अखिलेश यादव की रैली से पहले सपा से ज्यादा बीजेपी सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी की सक्रियता में डर, अंदेशा और शक सबका समावेश दिखाई दे रहा है और ये दावा सपा नेताओं का है, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव ने जहां जहां रैलियां और रोड शो किया वहां का माहौल और सियासी समीकरण अखिलेश यादव ने अपने नाम कर लिए। यही वजह है कि जब भी अखिलेश यादव अपने नए रोड शो का ऐलान करते हैं और जहां के लिए करते हैं वहां की स्थानीय सियासी इकाइयों में खलबली मच जाती है। कुछ इसी तरह का हाल अब गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव 26 फरवरी को विधानसभा पिपराइच के बास स्थान में दोपहर 2 बजे और 27 को चिल्लू पार्क क्षेत्र के नेशनल लॉ कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को यहां पर वो ललकारने का काम करेंगे। वैसे तो गोरखपुर बाबा जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार सपाइयों की माने तो सीएम योगी के गढ़ में ही बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है और बीजेपी को अंदर ही अंदर ये डर खाई जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव के आने से पासा पलटा तो फिर हार भी हो सकती है। ऐसे में जितनी तैयारी सपा के नेता गोरखपुर दौरे को लेकर कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव के दौरे से पहले बीजेपी के लोग तैयारियां और सक्रियता के साथ कर रहे हैं। गोरखपुर से पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र की जनता से भी अपील की है कि वो रैली में शामिल होकर रैली को इस कदर सफल बनाएं कि इसका संदेश दूर दूर तक जाए और असर सत्ता की कुर्सी मिलने तक दिखता रहे। प्रदेश में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के साथ ही समाजवादी पार्टी के कई स्टार प्रचारक गोरखपुर के लिए रुख करेंगे। 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच सपा के कई बड़े नेताओं की जिले में ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां होंगी और हर रैली का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होगा कि हर हाल में सपा की बढ़त के लिए बेहतरी से जनता के साथ संवाद स्थापित किया जाए। सपा की कोशिश है कि इस बार गोरखपुर में भी सियासी समीकरणों को ऐसा बदला जाए कि 10 मार्च को सपा की चांदी ही चांदी हो। सपा की कोशिश से बीजेपी भी अनजान नहीं है और बीजेपी खेमा भी मजबूती के साथ टक्कर देने के लिए कोशिशों में लगा है। ऐसे में अब हर किसी की नजर अखिलेश यादव की रैली और रोड शो पर है। यह अखिलेश यादव जब जिले में प्रवेश करेंगे तो फिर सियासी माइलेज क्या होगा और सियासी समीकरण किसके पक्ष में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।